अपने जिंदगी के कुछ अहम दशक उसने ऐसे बिता लिए मानो वो कभी वो थी ही नहीं। उसकी रूह उसके शरीर का साथ नहीं दे रही थी, पर समाज के दबाव और उम्मीदों ने उसकी असली पहचान का ही गला घोट डाला था। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेविड एबरशॉफ द्वारा लिखी गई उनकी पहली नॉवल द डैनिश गर्ल की बात करेंगे। डेविड एक अमेरिकन राइटर, एडिटर और टीचर हैं। डेविड की पहली नॉवल द डैनिश गर्ल उनकी बहादुरी, उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को दर्शाती है। यह कहानी एक काल्पनिक रूप में बताई गई है, लेकिन यह कहानी के एहसास बहुत हद तक लिली एल्बे के असल जिंदगी से प्रभावित हैं। लिली एक डैनिश आर्टिस्ट थे जो 70 साल पहले मेडिकली खुद को औरत में ट्रांसफॉर्म करवाने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। यह मामला उस वक्त के लिए बहुत ही दूरदर्शी था और यह क्रिस्टीन जॉर्जेंसन के चर्चित मामले से भी पहले का मामला था जिसे ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली। तो बढ़ते हैं द डैनिश गर्ल की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत कोपेनहेगन 1925 से होती है। आइनर और ग्रेटा हस्बैंड और वाइफ थे जो अपने अपार्टमेंट में साथ साथ पेंटिंग कर रहे होते हैं। ग्रेटा पोर्ट्रेट्स पेंट करती है और आइनर लैंडस्केप पेंट करते हैं। वो ज्यादातर बॉक्स के पेड़ों को बनाते हैं। आइनर की पेंटिंग्स कुछ अलग थी। उनके पेंटिंग्स में बहुत कम ही खुशनुमा पेड़ दिखते थे। एक दिन ग्रेटा अपने पोर्ट्रेट के लिए अपनी मॉडल और उसकी दोस्त एना, जो पेशे से ओपेरा सिंगर थी, उसकी तस्वीर को पूरा करने का सोच रही थी। पर एना अपने ओपेरा सिंगिंग में थोड़ी व्यस्त होने के वजह से ग्रेटा को अपना समय नहीं दे पा रही थी। तभी ग्रेटा बिना सोचे समझे यूं ही अपने पति आइनर को कहती है, आइनर उसकी मॉडल एना की तरह लड़कियों के कपड़े और मोजे को पहन कर आ जाए ताकि वो अपनी पेंटिंग पूरी कर ले। पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए पर आइनर मान जाता है और वो एना के मोजे पहनकर ग्रेटा के सामने आता है। जैसे ही वो शूज पहनता है, ग्रेटा आइनर को कहती है वो एना का ड्रेस भी ट्राई कर ले ताकि वो ड्रेस के हेम को पेंट कर सके। आइनर थोड़ा अनिश्चित होता है, लेकिन फिर वो ड्रेस को पहन लेता है। आइनर के लिए यह एहसास कुछ अजीब और अलग था, ना जाने क्यों, मगर आइनर को इन कपड़ों में एक सुकून और खुशी का एहसास होता है। ग्रेटा को भी आइनर के इस नए एहसास का अंदाजा हो गया था। वो आइनर से पूछती है, क्या तुम्हें भी यह पहनकर अच्छा लग रहा है? तो आइनर हाँ में जवाब देता है। ग्रेटा आइनर को लिलीज फ्लावर का एक बुके देती है और पेंटिंग शुरू करती है, लेकिन तभी वहाँ एना आ जाती है और आइनर को अपने ड्रेस में देख लेती है, जिस पर आइनर शर्मिंदगी महसूस करता है। एना और ग्रेटा दोनों हंसने लगते हैं और ग्रेटा आइनर से कहती है, क्यों ना हम तुम्हें लिली बुलाएं? ग्रेटा और आइनर की मुलाकात September 1, 1914 को रॉयल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में हुई थी। ग्रेटा ने कभी नहीं सोचा था कि वो शादी करेगी, लेकिन आइनर से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। आइनर, जो कि ग्रेटा का आर्ट टीचर था, उसकी नजर में एक सुंदर आदमी था। एक दिन ग्रेटा ने आइनर को एक पार्टी के लिए इनवाइट किया, लेकिन उस वक्त यूरोप में वॉर स्टार्ट हो रही थी, तो पार्टी कभी हो ही नहीं पाई। वॉर के वजह से ग्रेटा के पिता वापस कैलिफोर्निया चले गए और साथ में ग्रेटा को भी ले गए। अब हम 1925 में हैं। कुछ हफ्ते बीत चुके थे जब आइनर ने एना का ड्रेस पहना था। उस वक्त से आइनर के दिमाग में लिटिल लिली नाम की एक औरत की छवि मानो बसने लगी थी। ग्रेटा भी उत्सुक थी कि उस लिली को दोबारा देखा जाए। एक दिन ग्रेटा घर आई और देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठी हुई थी। ये और कोई नहीं, लिली थी, या कहें तो आइनर था, जिसने खुद को लिली के रूप में ढाल लिया था। ग्रेटा कुछ देर के लिए घर से चली गई और जब वापस आई तो देखा कि आइनर पेंटिंग कर रहा था। ग्रेटा ने आइनर से पूछा, क्या लिली वापस आएगी? आइनर ने कहा, सिर्फ अगर तुम चाहोगी तो। ग्रेटा ने जवाब दिया, यह तो लिली पर निर्भर करता है। जून में एक बड़ा आर्टिस्ट बॉल होने वाला था जिसमें आइनर जाना नहीं चाहता था, लेकिन लिली जाना चाहती थी। अब आइनर और ग्रेटा अपने दोस्तों को लिली के बारे में बताने लगे। वो उन्हें कहने लगे, लिली आइनर की कजन है। लेकिन अजीब बात यह थी कि आइनर खुद ही काफी बार भूल जाता था यह कजन कौन है। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। आइनर के पिता एक सीरियल फार्मर थे जो काफी बीमार रहते थे। उसके बावजूद भी वो इतने सेहतमंद थे
कि जब उन्होंने आइनर को बचपन में उसकी दादी का एम्बर नेकलेस पहनते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत कह दिया, छोटे लड़के नेकलेसेस नहीं पहनते हैं। आइनर का एक दोस्त भी था, हंस। दोनों काफी टाइम साथ बिताते थे, कभी निवस्त्र होकर टेनिस खेलते, कभी पतंग उड़ाते, जैसे आम लड़कों की मस्ती होती है वैसे ही। एक दिन हैंस और आइनर ने तय किया कि वो किचन खेलते हैं और हैंस ने आइनर को अपनी माँ का एप्रॉन पहना दिया। लेकिन जब आइनर के पिता ने उसे इस हाल में देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यहाँ से आइनर के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई थी। ग्रेटा जब अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया वापस लौट आई थी, वेस्ट कोस्ट का माहौल ग्रेटा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका परिवार अमीर था और उन्होंने सोसाइटी में काफी बड़ा नाम बनाया था, लेकिन ग्रेटा को मिस ग्रेटा वार्ड कहलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी जिंदगी में बस एक ही चीज थी जो उसे खुशी देती थी और वो था आइनर के खत। एक दिन पसाडेना आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के एक मीटिंग में ग्रेटा की मुलाकात टेडी क्रॉस नाम के आदमी से हुई। उसे टेडी काफी पसंद आया और तभी कुछ वक्त बाद ग्रेटा को आइनर का एक लेटर मिला जिसमें लिखा होता है, मुझे लगता है हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, जो शायद हम सब के लिए अच्छा ही होगा। यह लेटर पढ़ के ग्रेटा का दिल टूट जाता है और वो फैसला करती है कि अब वो टेडी के साथ आगे बढ़ेगी। कुछ वक्त बाद ग्रेटा और टेडी की शादी हो जाती है और ग्रेटा टेडी के बच्चे के साथ गर्भवती भी हो जाती है। उन दोनों ने अपने अजन्मे बच्चे का नाम अपने भाई कार्लिसिल के नाम पर रखा था, लेकिन बच्चे के जन्म के वक्त ही बच्चे के गले में उसका अम्बिकल कॉर्ड फंस जाने की वजह से बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। अपने बच्चे को यूं खो देना ग्रेटा और टेडी के दरमियान भावनात्मक दूरियों को पैदा कर देता है। ग्रेटा के लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल था। ग्रेटा, जो पहले से ही आइनर से जुड़ाव महसूस करती थी, अपने बच्चे को खोने के बाद से वो टेडी के साथ अपनी पूरी वफाई नहीं दे पा रही थी और आखिरकार उनकी शादी टूट जाती है। यह फैसला ग्रेटा के जिंदगी का वो बदलाव था जो उसे वापस आइनर के पास ले आया और उन दोनों के बीच इस उलझे सुलझे रिश्ते की शुरुआत हो गई। अब हम वापस आज के समय में आते हैं। आर्टिस्ट बॉल में लिली की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम हेनरिक है। लिली उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और पार्टी के बाद वो हेनरिक के साथ निकल जाती है। रास्ते में हेनरिक उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है और उसी बीच हेनरिक लिली को किस करता है। लिली एक लड़के को किस करती है और उसे यह एहसास अच्छा लगता है, लेकिन अचानक लिली के नाक से खून बहने लगता है। हेनरिक घबरा जाता है और मदद लेने के लिए भागता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। यह औरत और कोई नहीं ग्रेटा थी। ग्रेटा हेनरिक को देखती है और फिर देखती है लिली के नाक से खून बह रहा था। उसे लगता है कि हेनरिक ने लिली को चोट पहुंचाया है। लिली तुरंत ग्रेटा को बताती है कि हेनरिक ने उसे कुछ नहीं किया। फिर भी हेनरिक डरकर भाग जाता है और ग्रेटा अपना स्कार्फ लिली के नाक पर रखकर उसका खून रोकने का कोशिश करती है। ग्रेटा के डूबते पेंटिंग करियर को एक नई उम्मीद मिलती है। एक आर्ट गैलरी ग्रेटा के तस्वीरों की पेशकश के लिए मान जाती है, लेकिन अफसोस उनमें से कोई भी पेंटिंग नहीं बिकती। पर एक पोर्ट्रेट थी जिस पर एक पर्शियन आर्ट क्रिटिक थोड़ा ध्यान देते हैं। यह पोर्ट्रेट और किसी की नहीं बल्कि लिली की थी। गैलरी के मालिक उस पोर्ट्रेट को इस उम्मीद में वहां रख लेते हैं कि शायद कुछ समय बाद वो बिक जाए। लिली की बात चली तो आइनर ने अपने एक बचपन के दोस्त का जिक्र किया जिसका नाम हैंस था। यह वही था जिसके साथ आइनर एप्रॉन पहनकर किचन खेला करता था। लिली के कहने के मुताबिक हैंस अब पेरिस शिफ्ट हो चुका था। ग्रेटा उस पर्शियन आर्ट क्रिटिक को एक लेटर लिखती है और उससे पूछती है क्या वो हैंस को जानता है, और अगर हाँ तो क्या वो बता सकता है कि हैंस कहाँ मिल सकता है। आइनर लिली के रूप में हेनरिक से अब मुलाकातें को जारी रखता है, पर ग्रेटा को लगता है लिली हेनरिक को धोखा दे रही है क्योंकि असल में वो लिली नहीं बल्कि आइनर है। लिली कहती है कि वो कोशिश करेगी कि हेनरिक को धोखा ना दे। उसके बावजूद भी वो हेनरिक से चोरी छिपे मिलते रहती है। एक शाम लिली फैसला करती है कि वो हेनरिक को सब सच्चाई बता देगी और लिली हेनरिक से कहती है, हेनरिक मुझे तुमसे कुछ कहना है।
लेकिन लिली कुछ बताती उससे पहले ही हेनरिक कहता है, मुझे पहले से ही पता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। लिली को यह समझ नहीं आता कि हेनरिक को आखिर क्या पता है और क्या वो सच में जानता है जो लिली बताना चाहती है। इसके बावजूद भी लिली हेनरिक से कहती है वो उससे और नहीं मिल सकती और वो फिर अपने घर वापस लौट जाती है जहां ग्रेटा उसका इंतजार कर रही होती है। आइनर का यूं लिली बनकर हेनरिक से मिलना और उन दोनों की नजदीकियां ने ग्रेटा पर मानसिक तौर पर काफी दबाव डाला था। ग्रेटा को डर था कहीं ऐसा करते करते वो सच में अपने आइनर को खो ना दे। ग्रेटा और आइनर अपनी छुट्टियों के लिए मेंटन, एक फ्रेंच हार्बर टाउन जाते हैं। ग्रेटा सोचती है कि लिली को भी मेंटन देखना चाहिए, इसलिए आइनर लिली के रूप में चेंज हो जाता है। दोनों औरतें एक साथ वॉक पर जाते हैं, लेकिन ग्रेटा के पास एक सरप्राइज था। उसने हैंस को ढूंढ लिया था और उनका लंच के लिए मिलने का प्लान था। लिली थोड़ी डरी हुई थी कि हैंस उसके असली रूप को पहचान लेगा, लेकिन हैंस को ऐसा कुछ लगता नहीं है। लंच अच्छा गुजरता है और लिली को आराम महसूस होता है। उस रात ग्रेटा और आइनर जब दोनों बेड पर होते हैं, आइनर अभी भी लिली के रूप में था। ग्रेटा सोचती है कि लिली के करीब आना कैसा होगा, जैसे वो अपने हस्बैंड के आती है, लेकिन दोनों करीब नहीं आते। ग्रेटा आइनर को बताती है कि उसने और लिली ने हैंस के साथ लंच किया। अजीब बात यह थी कि आइनर को लिली की तरह गुजारे हुए वक्त की बातें याद ही नहीं थी। ग्रेटा को एक बार फिर लिली की तस्वीर बनानी थी, इसलिए वो आइनर से कहती है कि वो लिली को ले आए। आइनर सोचता है कि शायद वो लिली के रूप में ना बदले, लेकिन वो फिर लिली बन जाता है। उस दोपहर हैंस और लिली वॉक पे जाते हैं। हैंस सोचता है कि आइनर ने अपनी ब्यूटीफुल कजन के बारे में कुछ बताया नहीं। जब दोनों लौटते हैं, लिली आराम करती है और ग्रेटा आराम करती हुई लिली की तस्वीर बनाती है। दूसरे दिन लिली का हैंस के साथ वॉक पे जाना और आराम करते हुए लिली का ग्रेटा द्वारा तस्वीर बनाना एक बार फिर होता है और फिर यह यूं ही कुछ वक्त तक चलता रहता है। पर एक दिन अचानक लिली का लड़कियों के तरह उसके पैरों के बीच से खून निकलना चालू हो जाता है। लिली को समझ नहीं आता कि खून कहां से आ रहा है। इधर ग्रेटा को पता चलता है ग्रेटा की लिली वाली पेंटिंग जो उसने आर्ट ऑर्गेनाइजर के मालिक के पास छोड़ा था वो सबसे ज्यादा कीमत में बिक जाती है। यह इतना था जो ग्रेटा ने कभी भी एक पेंटिंग के लिए नहीं कमाया था। यह तरक्की ग्रेटा को लिली को रोज पेंट करने प्रोत्साहित करती है, लेकिन आइनर लिली बनने से थक गया था और उसके शरीर से आने वाला खून भी रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। ग्रेटा परेशान थी और वो एक डॉक्टर के साथ आइनर के अपॉइंटमेंट को फिक्स करती है। हालांकि आइनर डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन ग्रेटा उसे साथ चलने मना लेती है। यहाँ आइनर का दर्द भरा एक्सरे होता है। एक्सरे में डॉक्टर को आइनर के अंदर कोई बीमारी नजर नहीं आती। वो बस ग्रेटा से कहते हैं वो अपने पति आइनर को लड़कियों के तरह ड्रेसअप करना बंद कर दे, वरना काला साया और रूहें जो आइनर के अंदर बसी है उन्हें बढ़ावा मिल जाएगा और वो आइनर का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। यह सुन ग्रेटा को आइनर को डॉक्टर के पास ले जाने के फैसले पर अफसोस होता है। आइनर अब इस तरह से लिली में डूबने लगा था कि वो लड़कियों की तरह बोलने और चलने की क्लासेस भी लेने लगा। उसे अब ग्रेटा से करीबियां नहीं पसंद थी, पर वो चाहता था एक लड़का उसके लिली रूप में उसे वो प्यार दे जो वो अपनी पत्नी ग्रेटा को कभी दिया करता था। इधर ग्रेटा ने 100 से भी ज्यादा लिली की तस्वीरों को बना लिया था। जिस डॉक्टर के पास ग्रेटा आइनर को लेकर गई थी वो ग्रेटा को धमकियां दे रहा था कि वो उसकी और आइनर की सच्चाई सबके सामने ला देगा। इन सब से आइनर को बचाने ग्रेटा आइनर से पेरिस शिफ्ट होने को कहती है, जहां हैंस भी रहता था, और इसी के साथ वो लोग पेरिस पहुंच जाते हैं और अब हैंस ग्रेटा के साथ खुलेआम फ्लर्ट करना चालू कर देता है। पर ग्रेटा को अपने पति और लिली दोनों से बेवफाई नहीं करना था। यहाँ ग्रेटा की मुलाकात प्रोफेसर एल्फर्ड बॉल्क से होती है, जिनका ड्रेसडन में एक क्लिनिक होता है। आइनर के बारे में उनसे बात करने पर ग्रेटा को पता चलता है उन्होंने एक ऐसे आविष्कार का खोज किया है जिसके मदद से मर्द को औरत में आसानी से बदला जा सकता है। ग्रेटा सोचती है यह फैसला आइनर के लिए सबसे अच्छा होगा और वो आइनर को
खुद को लड़की में बदल लेने कहती है। कुछ डॉक्टर आइनर को पागल और कुछ मानसिक तौर पर बीमार समझते हैं, पर ग्रेटा आइनर का साथ देती है। अब ग्रेटा का भाई कार्लेसली भी आइनर की सच्चाई जान गया था। ग्रेटा और कार दोनों ही आइनर की मदद करना चाहते थे और आइनर का हमेशा के लिए लिली में बदल जाना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। इसी सोच के साथ अब आइनर ड्रेसडन जर्मनी में प्रोफेसर बॉल्क से मिलने ग्रेटा को पीछे छोड़ निकल पड़ता है। दोनों आइनर और ग्रेटा यह सोच कर परेशान थे कि अब आने वाले वक्त में उनका रिश्ता क्या मोड़ लेने वाला है। इधर हैंस भी आइनर की सच्चाई जान चुका था। वो ग्रेटा से कहता है वो हमेशा से लिली को जानता था और वो इस फैसले में ग्रेटा के साथ भी था। आइनर की मुलाकात प्रोफेसर से होती है। प्रोफेसर उसे सच बता देते हैं कि आइनर वो पहला मर्द है जिस पर यह सर्जरी की जा रही है। यह जरूरी था कि ऑपरेशन से पहले आइनर कुछ वजन बढ़ा ले और कुछ वक्त में आइनर की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। आइनर कई दिनों तक बेहोश था, पर आइनर अब असल में लिली एल्बे में बदल चुका था। कार और हैंस चाहते थे कि अब ग्रेटा हैंस के साथ अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ जाए, पर ग्रेटा अभी भी लिली को नहीं छोड़ना चाहती थी। ग्रेटा ने एक बार फिर अपने पति को खो दिया था और अब वो लिली के पास पहुंचती है। इस बार प्रोफेसर ग्रेटा को बताते हैं कि ग्रेटा की सोच आइनर के बारे में सही मायने में सच थी। आइनर सच में कुछ हद तक लड़की था क्योंकि उसके पास ओवरीज भी थे और यही कारण था आइनर के खून निकलने का। प्रोफेसर चाहते थे वो एक और सर्जरी आइनर पर करे और वो हेल्दी ओवरी के टिश्यूज को एक लड़की के शरीर से निकाल कर आइनर के शरीर में लगा दें। प्रोफेसर के पास एक लड़की भी थी जो ट्यूमर के वजह से बीमार थी और मरने वाली थी। लिली बहुत दर्द में थी, पर धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा था और लिली ग्रेटा के साथ आइनर और ग्रेटा के कोपेनहेगन के घर में लौट आती है। अभी भी बहुत सारे शारीरिक बदलाव थे जिससे लिली को गुजरना था। आइनर और ग्रेटा का कानूनी तौर पर अब तलाक हो जाता है। हैंस चाहता था ग्रेटा अब लिली को छोड़ उसके साथ आगे बढ़े, पर ग्रेटा लिली का ख्याल रखना चाहती थी। पर लिली शायद ग्रेटा से उतनी वफादार नहीं थी जिस कदर ग्रेटा लिली से वफादार थी। लिली ग्रेटा से कुछ छुपा रही थी। लिली कोपेनहेगन लौटने के बाद से लिली के रूप में अपने पहले प्यार हेनरिक से मिल रही थी और अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही थी। हैंस ये सब देख कर नाराज था। वो भी ग्रेटा को पाना चाहता था, इसलिए वह चाहता था लिली ग्रेटा को सब सच्चाई जल्दी बता दे। लिली जिसे ग्रेटा पेंट करती थी उसके जाने के साथ साथ ग्रेटा की पेंटिंग में भी रुचि अब खत्म हो चुकी थी। उसे यह भी महसूस हो रहा था शायद लिली को और अब उसकी जरूरत नहीं है। हेनरिक अब लिली को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो चाहता है लिली उसके साथ न्यूयॉर्क आ जाए। लिली खुश है, पर वो हेनरिक को अब सारी सच्चाई बता देती है। हेनरिक कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सालों पहले से बोला है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। लिली बहुत खुश थी और वो सब कुछ ग्रेटा को आकर बता देती है। ग्रेटा पर मानो यह सब कुछ एक बॉम्ब की तरह गिरता है। पहले आइनर को खोना और अब लिली का उसे छोड़ हमेशा के लिए चला जाना। लिली ग्रेटा को यह भी बताती है वो अपने शादी से पहले अपना यूट्रस ट्रांसप्लांट होने का सर्जरी भी कराना चाहती है ताकि वो भी पूर्ण रूप से औरत बन जाए और बच्चे को जन्म दे पाए। यह सुन ग्रेटा बहुत नाराज होती है और कहती है दुनिया में कोई भी एक मर्द को गर्भवती नहीं बना सकता है। पर लिली कहती है वो तो यह भी नहीं जानते थे कि एक औरत मर्द बन सकती है, पर उन्होंने यह सच कर दिखाया है और वो यूट्रस ट्रांसप्लांट के साथ भी आगे बढ़ना चाहती है। यह सर्जरी बहुत खतरनाक था और ग्रेटा लिली को अब पूरा नहीं खो सकती थी। ग्रेटा उसका साथ देने से मना कर देती है। लिली को अकेले ही ड्रेसडन जाना होगा। यह लिली और ग्रेटा का शायद आखिरी मुलाकात होगा। ग्रेटा उसे लिली की तस्वीर देकर कहती है वो उसे साथ ले जाए, पर लिली अपने साथ कोई पुरानी यादों को लेकर नहीं जाना चाहती है। ग्रेटा का भाई कार्ल लिली का साथ देने का फैसला करता है और दोनों एक बार फिर ड्रेसडन पहुंच जाते हैं। हैंस ग्रेटा को आइनर और उसके बचपन के घर ले जाता है। बिना आइनर के उसके बचपन के जगहों को देखना
ग्रेटा के लिए थोड़ा अजीब था, पर ग्रेटा अब हैंस के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। लिली की सर्जरी हो जाती है, पर दुख की बात यह थी कि यह सर्जरी पहले की तरह सक्सेसफुल नहीं थी। 6 हफ्ते हो चुके थे, लिली के शरीर से निकलने वाला खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लिली जानती है वो अब ज्यादा वक्त तक इस दुनिया में नहीं रहेगी, और वो चाहती है ग्रेटा उससे एक आखिरी बार मुलाकात कर ले, पर ग्रेटा ने अब अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। ग्रेटा तो नहीं, पर लिली के पास कोई आता है और यह ऐना थी जिसके कपड़ों को पहनकर आइनर का लिली बनने के सफर की शुरुआत हुई थी। लिली काफी दर्द में थी, लिली को बाहर ले जाना मना था, पर आना और कार लिली को जर्मनी के एल्बे रिवर, जिससे लिली ने अपना आखिरी नाम को चुना था, वहां ले जाते हैं। यह जगह ड्रेसडन में लिली की सबसे पसंदीदार जगहों में से थी। अपने व्हील चेयर में बैठ कर लिली अपने आइनर से लिली बनने तक के सफर को याद करती है। वो लिली बनके खुश थी, पर अब कहीं भी अकेले जाने में उसे डर लगता था। तभी एक पतंग कटती है और मरती हुई लिली के पास आ गिरती है, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।